आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर और साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऐप पर। मैं हूं आपके साथ किशोर नैंगरानी। सर्दियों के इस मौसम में कैनबरा में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यहां पर कैनबरा में एक कुछ गर्मी। जी हाँ, भारत से गर्मी, काफी गर्मी पड़ रही है भारत में और ये गर्मी ला रहे हैं हमारे जाने माने मशहूर जो कॉमेडियन है अमित टंडन जी। अमित टंडन जहां भी जाते हैं वहां हंसी और ठहाकों की गर्मी तो फैलती ही है और अमित जी की कॉमेडी में एक ताजगी रहती है, एक उनका अपना निराला अंदाज रहता है। अगर आपने उनकी कॉमेडी सुनी होगी तो वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के चारों ओर घूमती है, हमारी और आपकी सभी की कहानी होती है, लेकिन उनका अंदाज इस तरह का होता है कि बस आप हंसे बगैर नहीं रह सकते। तो अमित जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अमित जी, द मैरिड गाय, आपका स्वागत है। यूं तो मैरिड गाइस का स्वागत तो बहुत ही कम होता है और और मैरिड गाइस का कॉमेडी के साथ क्या ताल्लुक है? ऐसा कुछ प्लान्ड ताल्लुक नहीं है, बट ऐसा होता है ना कि कॉमेडी एक वो कहावत है कि ट्रेजेडी प्लस टाइमिंग इज कॉमेडी। तो हमारे केस में जब हमने कॉमेडी शुरू करी, जब मैंने कॉमेडी शुरू करी तो शादी हो चुकी थी, बच्चे भी हो चुके थे, तो आप अपना दर्द ही बांटते हैं कॉमेडी में। अगर आप देखेंगे वही बांटना शुरू किया तो लोगों ने एक टाइटल दे दिया मैरिड गाय का, तो वो बस जैसे टिक गया साथ में। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैरिड गाइस की जिंदगी जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी कॉमेडी, सब तरह की जिंदगी होती है वो। अमित जी, जैसा कि हम बता रहे थे कि आप ह्यूजली सक्सेसफुल कॉमेडियन हैं, देखा जाए तो स्टैंड अप कॉमेडी एक तरह से शुरुआत करने वालों में से आप रहे हैं भारत में, और आपने देश विदेश में सैकड़ों शोज किए हैं, लाखों लोग आपके फैन हैं, आपके वीडियोज जो है वायरल होते हैं, नेटफ्लिक्स पर भी शोज हुए हैं। तो दूसरी ओर आप एक MBA और इंजीनियर भी हैं अब आप, और बहुत अच्छा खासा प्रोफेशन भी रहा होगा जरूर। कुछ अंकल और आंटी आपको मिलते होंगे कि अच्छे खासे MBA थे, इंजीनियर थे, कहां से ये स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं, ये इनिशियली थोड़ा हुआ था मगर धीरे धीरे वो सब सेट हो गया। तो मैंने कॉमेडी कुछ करी भी मतलब इस तरीके से ही शुरू करी थी कि शुरू में मैं अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहा था जो अच्छा चल रहा था, तो जब तक कि ये नहीं हो गया कि कॉमेडी में मैं उस लेवल पे पहुंच नहीं गया, जब वीडियोस वायरल हो गए और मैं पहला इंटरनेशनल टूर जब तक किया था, तब तक मैं अपनी कंपनी चलाता रहा और बतौर ढंग से कि हमारे पास थे करीबन 30-35 एम्प्लॉइज होते थे जब मैंने कंपनी क्लोज भी करी, तो उस सवाल को मैंने उतना उठने नहीं दिया क्योंकि मेरे शुरू से बड़ा क्लियर था लाइफ में कि ये पैशन मेरा है, मेरी फैमिली का नहीं है। और मैंने 35-36 की एज में कॉमेडी शुरू की थी, तो मुझे था कि मैं अपने पैशन के कारण अपने बच्चों को या वाइफ को ये नहीं कह सकता कि अब आप अपने खर्चे कम करो या अपना लाइफस्टाइल कम करो क्योंकि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। तो मैंने ये दोनों गाड़ियां इकट्ठे चलाई हैं करीबन 6-7 साल, 2009 से लेकर 2017 तक, तो करीबन 9 साल दोनों चीजें इकट्ठी करी हैं ताकि वो सवाल ना ही उठे कि कॉमेडी में कहाँ घुस रहे हो। तो तब तक मैं यही बोलता था कि शौक क्या है, तो शौक पूरा करो, बाकी काम तो अपना चल ही रहा है, तो वो थोड़ा बैलेंस हो गया था इसलिए। और जहां तक इंडिया में देखा जाए तो स्टैंड अप कॉमेडी की ट्रेडिशन तो नहीं रही थी, हास्य कवि और कविताएं वगैरह होती थी, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी कुछ हाल ही की शुरुआत है, जैसा कि आपने शुरुआत की है या कुछ और लोगों ने, तो उसके अपने भी चैलेंजेस रहे होंगे, एक नए आप कला विधा शुरू कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू में ये होता था कि लाइव स्टैंड अप जो है, क्योंकि लाइव स्टैंड अप बड़ा अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जहाँ आप स्टेज पर खड़े होकर अपनी कहानी सुना रहे हैं, या यू नो इंटरैक्टिव कॉमेडी अगर आपने देखा हो, रसल पीटर्स हैं, बिल बर हैं, जॉर्ज कालिन हैं, डेव शपेल हैं, ये लोग हैं जो वहाँ पर पिछले 70-80 साल से चल रहा था। यहाँ शुरू में बहुत मुश्किल होता था लोगों को समझाना कि ये होता क्या है, और फिर हम जितने कॉमेडियन जिन्होंने उस टाइम शुरू किया है 2008-2009 के आसपास, हम सबको ऑर्गेनाइजर भी बनना पड़ा क्योंकि हमारे पास वेन्यू नहीं होता था कि आप कहाँ करेंगे, कहाँ से ऑडियंस आएगी,
तो आधा काम हमारा अपना स्टैंड अप लिखने का होता था, आधा वेन्यू से, पब से, बार से, क्लब से बात करना कि आप हमें जगह दे दीजिए, हम कुछ लोगों को लाएंगे, हम टिकट बेचेंगे और यहाँ पे शो करेंगे, आपकी शराब की सेल्स बढ़ेगी आपकी, तो सबको सेल्समैन बनना पड़ा था। तो वो पहले 5-7 साल काफी चैलेंजिंग निकले थे उसे, यू नो, उस चक्कर में, क्योंकि किसी को समझाना कि हम कर क्या रहे हैं, जी। तो एक नए आर्ट फॉर्म को एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल काम था। तो पर वो किया, और आई थिंक हमारे साथ के वो इसीलिए जितने लोग हैं, मैं हूँ, जाकिर है, यू नो, तन्मय है, ये हम काफी सारे लोग जो उस टाइम जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो काफी क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़े भी हुए हैं, क्योंकि हमने शुरू किया था तो प्रोफेशन नहीं था हमारे लिए, फ्रेटर्निटी थी, दोस्तों का एक जमघट था जिन्होंने शुरू किया था जी। और अब बड़ा अच्छा लगता है कि आज वो इस लेवल पे पहुंच गए कि मतलब कम से कम तो 400-500 कमेडियन हैं इंडिया में जो लाइव स्टैंड अप कर रहे हैं और उसको एज अ प्रोफेशन परस्यू करते हैं। तो ये लगता है कि सीन काफी एस्टेब्लिश्ड हो गया है, जैसे आपने बताया कि यूएस वगैरह में कॉमेडी क्लब्स होते थे, हैं, और कुछ इस तरह से वहां पर भी अब सीन एस्टेब्लिश हो गया है और ऑडियंस हो गई है, तो अच्छी रिस्पांस भी मिलती होगी। हाँ जी, अब तो ये है कि इंदौर, भोपाल, कानपुर तक भी हर जगह कॉमेडी क्लब्स खुलने शुरू हो गए हैं जहाँ पे लोकल स्टैंड अप कॉमेडियंस आने शुरू हो गए, तो वो एक बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मूवमेंट जैसे शुरू दिल्ली बॉम्बे से हुई थी जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन है, बट अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना, हमें रोज मैसेजेस आते हैं कि मैं जोधपुर से हूँ, मैं जबलपुर से हूँ, तो हमें अच्छा लगता है कि अब ये मूवमेंट फैल गई है और एक हाँ तो जड़ें पकड़ गया है एक तरीके से, जिसको कह सकते हैं वो हो गया है इस आर्ट फॉर्म के साथ, तो बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। जी, और आपने बताया कि ये स्टैंड अप कॉमेडी जो है काफी इंटरैक्टिव होती है, और इंटरैक्टिव दोनों ओर से होती है अगर देखा जाए तो, ऑडियंस की ओर से भी और कॉमेडियन की ओर से भी, कॉमेडियन भी कई बार पिकअप करते हैं किसी ऑडियंस के मेंबर को और फिर उसके साथ चलता है, खिंचाई होती है जो भी कहिए, आप इस तरह की स्टाइल में करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मेरा एक्चुअली ऑडियंस भी ऐसा आता है जो 30-35 साल की उम्र से, तो मेरा सारा ऑडियंस वही है, थोड़ा मैरिड वाला, जिनके बच्चे हैं, तो वो ऑलरेडी बेचारे घर से खींचे हुए ही आते हैं कोई स्कोप छोड़ते ही नहीं है तो उनको मैं और क्या खींचू, तो मैं नहीं खींचता नहीं हूँ, मैं खिंचाई नहीं करता हूँ अपने शोज में, नॉर्मली मेरा बड़ा वन साइडेड होता है, मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा बट कहीं पर भी वो नहीं है कि मैं ऑडियंस पे पंच करूं, वो नहीं करता, तो काफी सेफ रहती है ऑडियंस जो है, उनको आप पिक अप नहीं करते तो इसलिए मैं भी सेफ रहता हूं दूसरा ये भी सवाल था कि वो भी चलता है, हैकलिंग वगैरह भी होती है, उसका भी एक अलग मजा अंदाज होता है, कभी आपको इस तरह का सामना करना पड़ा इस तरह का हैकलिंग या हूटिंग? हाँ, वो कभी कभी हो जाती है हमारे केस में भी, अगर हम क्लब शोज कर रहे हैं जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह अलाउड है तो वहां पे ज्यादा हो जाता है कि थोड़ा लोग जब, खास करके क्योंकि मैं जैसे दिल्ली से हूँ, ठीक है, तो दिल्ली जैसी जगह पे तो क्या होता है कि पब, अब नॉर्मली पंजाबी लोग हैं तो पहले पब, पहले पैग में लोग खुलना शुरू होते हैं, हाँ, दूसरे पैग में हंसना शुरू करते हैं खुल के, तीसरे पैग तक उनको लगता है मैं भी कॉमेडियन हूँ, तो हमारी जद्दोजहद ये होती है कि तीसरा पैक खत्म होने से पहले शो खत्म हो जाए तो बेटर है, नहीं तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है, चौथे के बाद वो माइक पे आना चाहते हैं, तो वो थोड़ा हम कोशिश करते हैं अवॉइड कर ले बट हो जाता है कभी कभी। हाँ, वो तो आपने सही फरमाया। अब दूसरा, आप यहाँ भारत में तो आप शो कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा आपने बताया कि किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, और साथ ही साथ विदेशों में भी अपने आजकल जो है जड़े, आप जहां तक एनआरआईज का एक बड़ा डायस्पोरा है, वो भी बड़ी भारी आपकी ऑडियंस है, तो देखा जाए, हम आपको मालूम ही है जब एनआरआईज आते हैं विदेश में तो हमारा अंदाज बदल जाता है, बात बेबात पे प्लीज थैंक यू करने लगते हैं, और हिंदुस्तान में जो आपने पंजाबियों वाले कहा, जबरदस्त हंसी ठाके भी कम हो जाते हैं, दबी दबी सी हंसी होने लगती है, तो आपको जो इन शोज में कुछ डिफरेंस लगता है जब आप इंडिया में करते हैं या जब यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया में करते हैं?
नहीं, मुझे एनआरआई ऑडियंस के साथ बहुत मजा आता है। मुझे एक्चुअली लगता है कि मुझे नॉर्मली जो इंडिया में रिस्पांस मिलता है उससे करीबन 1.5 गुना ही होता है बाहर आकर, क्योंकि मुझे मतलब जो मेरी फीलिंग है, जो मैं सोचता हूँ कि हाँ वहां जाके शायद थोड़ा मतलब आपके हाव भाव चेंज हो जाते हैं क्योंकि आप एक नई जगह एक नए कल्चर में आए हैं। बट जब आप एक हिंदी शो पे आते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉमेडी है चाहे वो सिंगिंग का शो है या कुछ है, वो एनआरआई ऑडियंस के लिए सिर्फ वो एक शो नहीं होता, वो एक फेस्टिवल होता है, क्योंकि वहां आप 500, 1000, 10,000 और हिंदी बोलने वालों को देखने वाले हैं उस दिन। उस दिन इंडिया का खाना वहां मिल रहा होता है, इंडियन ड्रेसेस दिखती हैं, तो वो अलग ही खुशी होती है। वो सिर्फ ये नहीं होता कि आज हम अपने घर से 2 घंटे का शो देखते हैं, वो पूरा एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, जो मेरा मतलब जनरली एक्सपीरियंस ही रहा है कि उसमें एक खुशी अलग होती है। जैसे मैंने कई जगह ये भी देखा है, जैसे टोरंटो में परफॉर्म कर रहा हूँ तो वहां पे एक 14-15 लोगों का एक ग्रुप है जो हर बार क्या करते हैं कि जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो वो एक अलग अपनी गाड़ी करते हैं, वो बड़ी वाली गाड़ी जिसको लिमोजीन करेंगे, जिसमें वो पहले 2-2-3 दिन ड्रिंक करके आ रहे हैं, फिर वो प्लान बना के आते हैं कि इसके बाद अमित का शो देखेंगे, उसके बाद हमारा डिनर है या ये। तो वहां उनका उनके लिए ये सिर्फ एक शो नहीं है, उनके लिए एक पूरा एक फेस्टिवल की तरीके से होता है एक इंडियन शो जब देखने आते हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया आपने बताया, एक तरह का समा बंध जाता है, न केवल शो का ही मजा उठाना है लेकिन पूरा जो है माहौल पैदा करना है कि अपना। हाँ, वो उनके लिए 4 घंटे के लिए इंडिया आ गए वो एक तरीके से। दस, बात सही बात है, बगैर बगैर एयरप्लेन की टिकट लिए हुए आप इंडिया पहुंच जाते हैं। उसी बात को लेते हैं तो हमारे कैनबरा वासी जरा टोरंटो वासियों की तरह नहीं है, जरा यू नो थोड़े से ये जो है अपना कैपिटल है, अपना थोड़ा सा सरकारी लोग हैं थोड़े से इतना जब वीक। और दूसरा एनआरआई को बड़ा ये वो होता है कि जी वीकेंड पे सारी चीजें वीकेंड पे ही होनी चाहिए, चाहे बर्थडे पार्टी हो चाहे वेडिंग हो यहाँ तक कि फ्यूनरल भी हो, वो वीकेंड पे होना चाहिए। अब आप आ रहे हैं वीकडे में हमारे यहाँ कैनबरा में, और एनआरआई को जो बड़े जरूरी काम करने होते हैं, झाड़ू बर्तन करना होता है, बर्तन मांजने होते हैं वगैरह वगैरह, अब ये सारे जरूरी काम छोड़कर अमित जी की कॉमेडी देखने कैसे जाएं, क्या क्या अट्रैक्शन है? देखिए, अगर आपको मतलब अट्रैक्शन तो यही है कि आपको 2-3 घंटे के लिए मैं हिंदुस्तान ले आऊंगा, मैं ये कह सकता हूँ, मैं आपको आपके बचपन में ले जाऊंगा। तो उसके लिए एक दिन अगर आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा जागना भी पड़े रात को बर्तन मांजने के लिए और कपड़े धोने के लिए, मेरे ख्याल में वो जायज है। तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वो 2-2.5 घंटे जो है वो आप अपना अगला 1 साल भूलेंगे नहीं, कि जितना सिर्फ हंसी की बात नहीं है पर बहुत सारी ऐसी कहानियां जो आपकी जो इंडिया से जुड़ी हैं, आपके बचपन से जुड़ी हैं, तो वो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वहां मैं आपको ले जाऊंगा। तो उसके लिए एक दिन थोड़ा सा सोच लीजिए कि एक दिन एक्स्ट्रा कम सो लेंगे 1 घंटा और अगले हफ्ते पूरा कर लेंगे, कैरी ओवर जिसको कहते हैं हम नॉर्मल नींद कैरी ओवर करके। आप पिछली बार भी आए थे तो बहुत ही अच्छा बढ़िया समा बना था, और हम मैं तो आपका खास करके बड़ा फैन हूँ, उस शो में भी आया था और इस वाले में भी आऊंगा और YouTube वगैरह पे देखता रहता हूँ, तो आपका तो एक अलग ही अंदाज है निराला अंदाज है। तो जितनी भी देर समय होगा वो बहुत ही मजेदार समय होगा, हम जानते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये है, अभी आपने बताया कि जो है कोविड का पेंडेमिक रहा पिछले 2 साल और ये आपके लिए खास करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है, कैसा रहा, किस तरह से आपने कोप किया ये पिछले 2 साल कोविड का? शुरू में तो थोड़ा मुश्किल रहा था शुरू में, क्योंकि एकदम से समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या हमारे साथ, और उसके बाद ये था कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा इवॉल्व करना शुरू किया, ऑनलाइन शो शुरू करे। एक फायदा जो हुआ वो ये हुआ कि पहले मैं इतना ट्रैवल करता था कि मतलब स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहा था, बहुत सारे प्लान बनते थे जो इसलिए रह जाते थे क्योंकि मैं होता ही नहीं था यहाँ पे। तो इस टाइम में मैंने अपने बाकी जो आप समझ लीजिए कि बाकी अपने एवेन्यूज को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर किया, तो मैंने स्पॉटिफाई के साथ एक पॉडकास्ट के लिए साइन अप किया, तो स्पॉटिफाई पे स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट किया था मैंने जिसका नाम अंदर की बात है, ठीक है। तो वो
एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी पॉडकास्ट मैंने किया, आईपीएल के लिए कमेंट्री करी, एक शो लिखा सोनी लिव के लिए जो फाइनली रिलीज भी हुआ जिसका नाम था चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे बहुत सारे काम किए, टेलीविजन शो जो गुड नाइट इंडिया जो मैं भी सोनी सब के साथ कर रहा हूँ जिसके करीबन 125 एपिसोड्स हैं, उसका कंसेप्चुलाइजेशन भी उसी टाइम हुआ। तो वो सारे काम जो मेरे लाइव स्टैंडअप के कारण रुके हुए थे वो बहुत करने को मिले, बट फिर भी चैलेंजिंग बहुत था क्योंकि जो मजा लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का है वो मजा किसी और चीज में नहीं आता है, और थोड़ा पैंडेमिक ने ये भी सिखा दिया कि चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए। जिंदगी के कई पहलू होते हैं तो दूसरे पहलू भी देखने को मिले जी। तो आप वापस टूर पे हैं, आपकी आप अभी आपने शायद यूएस का टूर खत्म किया है? यूएस हॉलिडे के लिए गया था, यूएस टूर तो प्रॉपर लंबा होगा, वो करीबन 1.5 महीने का टूर है जो सितंबर अक्टूबर में है, करीबन वहाँ पे 25 या 30 सिटीज कर रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ लंबा खिंच जाता है, तो वहाँ 45-50 दिन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी आप कई शहरों में जा रहे हैं और यहाँ पर भी, और आपका तो यहाँ पर खैर बेताबी से इंतजार होगा। बस आपसे ये भी चाहेंगे थोड़ी सी आपकी जो है कुछ ज्ञान बाइट्स की झलक मिले जाते जाते। नहीं, ज्ञान बाइट्स की तो वही मैं नॉर्मली जो बात करता हूँ, तो मतलब हमारी फैमिली के अंदर इतनी ज्यादा कॉमेडी होती है जो कहीं और नहीं होती, जैसे मतलब हमें पाला ही इस तरीके से गया कि कई चीजें बदलती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई नॉर्मली मुझे बोलेगा ना कि अमित हम आपको फैमिली की तरह मानते हैं, अपने बच्चे की तरह मानते हैं, गेस्ट की तरह नहीं मानते, तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करो, अपने बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। क्योंकि हमने हिंदुस्तान में बच्चों ने देखा है कि जो ट्रीटमेंट हमारे घर में गेस्ट को मिली है वो बच्चों को कभी मिली नहीं। सभी के घर में बच्चों को ऐसी ट्रीटमेंट मिलती थी इंडिया में। मतलब हमें गेस्ट आते थे तो पता होता था कि आज फ्रूट केक आएगा, नॉर्मली आपको पार्ले जी के बिस्किट भी गिन के मिलते थे। गेस्ट आता था तो हम पहले वेट करते थे गेस्ट आए, फिर हम वेट करते थे कि गेस्ट चला जाए, ताकि जो बाकी सामान बचा हुआ है, हमारी मैच भी उसी चक्कर में इंप्रूव होती थी कि हमें दिखता था कि ये 6 समोसे बचे और हमने 2 लोगों ने खाने तो कितने पड़ेंगे यार, यू नो कि 7 गेस्ट आए हैं और अगर हम 12 समोसे लेके आए हैं तो उनके खाने के बाद, तो हमारी मैच उसी चीज में इंप्रूव होती थी। हमारे घर में बोन चाइना के सारे कप प्लेट तभी निकलते थे, प्लेटें तभी निकलती थी जब गेस्ट आता था, नहीं तो हमें तो घर में खाना मिलता स्टील की प्लेट में जिसके पीछे दादाजी का नाम गुदा हुआ होता था। आप जो मिडिल क्लास की जिंदगी के जो है आप लेकर आते हैं नमूने, वो अपने आप में अलग ही तरह के होते हैं। जी हाँ, नहीं मजे की बात है, हम सबके साथ हुआ हुआ है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी बात है या यू नो आपकी बात है। आप 10 लोगों को बताएंगे तो 10 में से 9 के साथ ये हुआ हुआ है कि हमने कांच की प्लेट में पहली बार अपने किसी और रिश्तेदार के घर ही खाना खाया होगा, अपने घर में तो स्टील की प्लेट में खाया। मैं तो कहता हूँ मैं तो पहली बार अपने दोस्त के घर खाया कांच की प्लेट में, पलट के देखा मुझे लगा उसके दादाजी का नाम बोन चाइना। आपकी सक्सेस का सीक्रेट भी शायद यही है कि जैसे आपने कहा 10 में से 9 लोग आप रिलेट कर सकते हैं उस स्टोरी के साथ, और फिर जिस अंदाज में आप पेश करते हैं तो खैर उसका तो अलग ही बात है। तो अमित जी, आपका हम यहाँ कैनबरा में बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ये हम कैनबरा वासियों से कहने चाहेंगे कि आपने थोड़ी सी झलक तो देखी आपने अमित जी की, लेकिन साक्षात रूबरू देखने जरूर आइए 25 मई को, यहाँ पर वेडनेसडे को हो रहा है कैम्ब्री प्रिसिंक्ट ANU में, और कैनबरा तो कोई बड़ा भारी शहर नहीं है, और जैसा अमित जी कह रहे हैं कि एक आध दो घंटा अपनी जिंदगी के जो है बर्तन मांजना वगैरह भूल जाइए, बस मौज उड़ाइए मस्ती। हाँ, एक दिन हिंदुस्तानियों की तरह जी के देखो ना, रोज ऑस्ट्रेलिया की तरह जीते
तो हिंदुस्तानी की तरह की यार देखी जाएगी कल सुबह, जब उठेंगे तो सुबह का सुबह देखी जाएगी, उठे तो उठे नहीं उठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आराम से। अमित जी शुक्रिया आपके समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किशोर जी, थैंक यू, मिलेंगे आपसे हम। ठीक है ठीक है।